नमस्कार, मैं यदुवंश पंजाल सीतामढ़ी के आवास से आपका स्वागत कर रहा हूं। अभी भूति झंडा का लाइव दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, जो कि फुलकाहा से भूति चलकर आई है। पूरे मेला का दर्शन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने भीड़ है, भूति और फुलकाहा का झंडा एक साथ देखने को मिल रहा है। जो फुलकाहा वाले भाई अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 150 फीट का झंडा भूति में लाने ला कर खड़ा कर चुके हैं। अभी आप सीतामढ़ी की आवाज के साथ कमल भाई, दिलशाद भाई और यदुवंश पंजाल के साथ है, जो कि महावीर झंडा जो सुपर सीध है वो आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। जो फुलकाहा के भाई है, फुलकाहा के ग्रामवासी है, वो अपने शक्ति का प्रहार करते हुए 150 फीट का झंडा कंधे पर उठा करके अपने हर्ष उल्लास के साथ लाए हुए हैं। अभी आप सीतामढ़ी की आवाज पेज पे यदुवंश पंजाल, कमल भाई और दिलशाद भाई के साथ लाइव है। ओ, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूति ही में महावीर झंडा का दर्शन, ओ पब्लिक का भी देखिए, श्रद्धालु का भी देखिए, क्या उन्नीस सौ चौवन से लेकर आज तक लगातार हर साल फुलकाहा और भूति वाले झंडा करते हैं और हर्ष उल्लास के साथ जो आपको देखने का मौका मिल रहा है, किस प्रकार से भाईचारे का प्रेम भाव बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी घर से बाहर है कृपया शेयर करें, जो कि गांव से बाहर है वो अपने देख सके भूति और फुलकाहा का झंडा किस प्रकार से मनाया जाती है, जो कि एक 150 फीट की झंडा है। अभी आप सीतामढ़ी के आवाज से दिलशाद भाई, कमल भाई और यदुवंश पंजाल के साथ लाइव देख रहे हैं। जो भी गांव से बाहर है जो देख रहे हैं कृपया शेयर करें, जो कि गांव से बाहर रहने वाले भाइयों को ये देखने का मौका मिल सके। अखिलेश जी आप कहाँ कई दोस्त खेल कर आ रहे हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष साहब आप कहाँ कई दोस्त खेल कर आ रहे हैं। अखिलेश जी हेलो, फुलकाहा
फुलकारा ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भीड़ न लगाएं। झंडा समिति के अध्यक्ष महोदय फुलकारा के दो आदमी से मात्र स्टेज पर आ रहे, बाकी लोग जाएं मेला में। फुलकारा झंडा समिति से अनुरोध है कि आप एक अध्यक्ष महोदय दो आदमी से आवे और बाकी लोग यहाँ से जाएं। भूखी झंडा समिति के अध्यक्ष महोदय अखिलेश जी राम सुगारत साह, आप जहाँ गए थे वो स्टेज पर आए। अभी आप सीतामढ़ी के आवाज से कमल भाई, दिलशाद भाई और यदुवंश पंचग्यार के साथ है, जो कि भूतही का महावीर झंडा जो कि सुप्रसिद्ध है, जो आपको देखने का मौका मिल रहा है। बारीकी से मैं दिखाने चाह रहा हूँ कि क्या क्वालिटी का झंडा बनती है। कृपया मेला में शांति बनाए रखें। मैं यदुवंश पंजाब और ये दिलशाद भाई है। ये महावीर जी का सुप्रसिद्ध झंडा जो कि 1945 से लेकर आज तक हर साल मनाई जाती है। भूती और फुलकाहा वाले दोनों भाईचारे का प्रेम भाव देख करके ये झंडा का मेला में घूमने वाले भाइयों, साधुओं, माता बहन बहनों, मेला में शांति व्यवस्था कायम रखें।
सीतामढ़ी की आवाज पे मैं उनके साथ देख सकते हैं भूति और पुलवामा के जनता में कितनी भीड़ है। श्रद्धालु की देखते श्रद्धालु कैसे पूजा करते हैं देख सकते हैं भूति के साथ देखने को मिल रहा है आपको। चला पीछे चला माइक नहीं लगाया है देख सकते हैं पूरा झंडा का दृश्य सीतामढ़ी की आवाज पेज पर भूति झंडा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है।
मैं यदुवंश पंजियार सीतामढ़ी के आवास से फुलकाहा के जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं उनसे मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ। बताया जाए आप कितने दिनों से मूर्ति बना रहे हैं? कितने दिनों से मूर्ति बना रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से आपको मूर्ति बनाने का कलाकारी और भगवान का प्रेम भाव ये श्रद्धा कैसे हुई जो थोड़ा बताए जो दर्शक लोग देखना चाह रहे हैं आपको? चलिए आप बताया जाए, आप अपना बताएं कैसे कलाकारी आप करते हैं? जो बच्चों से भेद लगा हुआ है से बजरंगबली के में काम करे। अच्छा, जब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ 20 साल से। 20 साल से बना रहे हैं आप? जो फुलकाहा से भूति लाते हैं झंडा, हाँ। और आपको साथ क्या दुख तकलीफ होती है वो बताने का कष्ट करेंगे क्या? ये फुलकाहा की झंडा है और इस साइड जो है भूति की झंडा है। भूति के वही क्या करेंगे? Gracias.